Hi guys, welcome to the channel Zonal Wanderer. आज मैंने नया माउंट सब मंगा लिया है ताकि आप लोग को, और माइक का प्लेसमेंट भी मैंने बदल दिया है। डोमिनार मेरी पहली बाइक है, इसके बारे में एक रिव्यू जल्दी डालूँगा, बट अभी सुन तो नहीं, बट डालूँगा जल्दी। ये एक ब्रिज है, देखिए काफ़ी बढ़िया व्यू है। ये नया ब्रिज बना है अभी जो मेरे एरिया को मणिपाल से कनेक्ट करता। व्यू देखिए गाइस, जस्ट अमेजिंग सेरीन व्यू देखिए। ये देखिए इस ब्रिज का व्यू, ये देखिए गाइस, केसवरना नदी है। इस ब्रिज को परारी ब्रिज बोलते हैं गाइस। ये थोड़ा कपल्स पॉइंट भी है, अगर आपको यहाँ कपल्स दिख जाए या आप कपल्स और आए तो कंटेंट मिल जाता है, धरपूर कंटेंट कभी कभी आपको। और इधर से नीचे जाए तो एंड पॉइंट आता है। अरे यार, बात करते करते ये रिसेट नहीं किया। ये रोड अभी थोड़ा टाइम में बन जाएगा, उसके बाद बस तो बढ़िया हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोरोना काफ़ी डिले हो चुका है ये प्रोजेक्ट, बट लगता है जल्दी बन जाएगा। अरे पेट्रोल ख़त्म ही हो गया क्या यार, बहुत गंदा झटका दे रही है ये, मेरे को डर लग रहा है अभी रिटर्न नहीं आएगी करके। हाँ क्या करूँ, रिटर्न नहीं आए तो लोचा हो जाएगा गाइस। बहुत गंदा झटका दे रही है। अभी पंप किधर है, पंप ऑलमोस्ट मणिपाल के स्टार्टिंग में है, चलो वहीं जाके भर लेते हैं, वहाँ पावर भी मिलता है। बट वहाँ तक जाएगी क्या मुझे पता नहीं, आजकल पता नहीं डोमिनार का माइलेज बहुत ही गंदा हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत गंदा हो गया इसका माइलेज। बिकॉज ऑफ माई ड्यूअल पर्पस टायर, इसमें मुझे इतना खड्डे वड्डे फील नहीं होता है, बिकॉज ऑफ माई अमेजिंग ड्यूअल पर्पस टायर। पिरेली के ड्यूअल पर्पस टायर डाले मैंने, एकदम ऐसे ब्रीज की तरह खड्डों से निकल जाती है। आई थिंक हवा कम है, तो मैं खुद ही भरता हूँ क्योंकि पेट्रोल पंप्स में अब मत भरा करिए, और सिर्फ सुबह सुबह कोल्ड प्रेशर ही हवा चेक करा करे, क्योंकि द थिंग इज अगर एक बार आपके टायर गर्म हो गए ना तो आप उस टाइम पे जो हवा चेक करते हो इट्स वेस्ट। सो इसके लिए कोल्ड प्रेस ही प्रिफर किया करो, सॉरी कोल्ड प्रेस नहीं, कोल्ड एयर प्रेशर ही चेक करना प्रिफर करा करो गाइस। इसके लिए अभी मैंने तो इसको हॉट कर दिया। ये देखो इस महाशय को देखो, बाइक बीच रोड पे खड़ी कर दी है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग पता नहीं, टर्न के बीच में ऐसे लोग की तो बाइक उठा के सीधा से डंप यार्ड पे डाल देनी। आ चुका है गाइस, व्यू देखो, कैमरा इतना से दिखा पा रहा है कि पता नहीं, बट व्यू देखो गाइस। करेक्ट बर्पैंड, हाँ थैंक यू सब्सक्राइब मल दिन एक थैंक यू। तो सो गाइज, मैं थोड़ा माइक का अडेप्टर चालू करना भूल गया है, सो नॉट एन इशू, जस्ट थोड़ी देर के लिए ये। सो यहाँ से मैं बिल्डिंग के लिए निकला और अभी मैं जा रहा हूँ मट्टू बीच गाइज, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक बीटी ऑफ उडुपी। यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मैंने सीधा फर्स्ट गियर खींच दिया और यहाँ सीधा व्हीली पॉप हो गई थी, मैंने तुरंत क्लच यहाँ पे दबा दिया, वरना हो जाता कांड, टर्न था ना, इसलिए जस्ट के लिए बचाऊँ मैं गाइज यहाँ पे। सो गाइज अभी मैं मट्टू के पास पहुँच गया हूँ। अभी पहले यहाँ पे एक डॉक्स आएगा जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, हमारे जो शटर बॉक्स फिल्म्स है, मैं सचिन भाई उनका लास्ट कमबैक वीडियो यहाँ पे शूट हुआ था, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। अगर आपको कभी यहाँ पे, मतलब आप उडुपी आए तो आपको फ़ोटोशूट करने के लिए काफ़ी बढ़िया लोकेशन है गाइज, चेकआउट करो गाइज, कैसा ब्यूटीफुल है ना गाइज लोकेशन, मतलब ऐसे
पूरे बोट रेड रेड कलर में खड़े हैं, और भी थोड़ा ब्राइट है, मेरा गोप्रो ना जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि कलर थोड़ा वीक है, मेरा गोप्रो थोड़ा पुराना है इसके लिए। सून मैं अपग्रेड करूँगा, टेंशन मत लो। अभी यहाँ से एक ब्रिज दिख रहा होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा अभी उसका व्यू देखना आप गाइज, आप जस्ट शौक हो जाओगे। मट्टू जाने के लिए आपको इस ब्रिज से क्रॉस होना ही पड़ता है, एंड गाइज बिलीव इट और नॉट, इतना बढ़िया है ये ब्रिज का व्यू, माय गॉड गाइज, आपको जस्ट बहुत ही सुंदर लगेगा व्यू देखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज ये व्यू, देखो गाइज राइट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे देखो, देख रहे हो ना इतना बढ़िया लग रहा है। ये बैक वाटर से एक्चुअली गाइज, एकदम बढ़िया व्यू है ना गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मतलब उस साइड पे पोर्ट है गाइस, ये राइट पे, अभी मैं इसके बाद वहीं जाऊंगा बट वो अगले पार्ट में मैं डालूंगा। वो जो है वो पूरा पोर्ट है और मल पे सी वॉक है। अभी गाइस ये ब्रिज के एंड होने के बाद सामने देखना आपको क्या दिखेगा गाइस, आप लोग जस्ट चौंक ही जाओगे। देखो गाइस बीच दिख रहा है गाइस, दिख रहा है ना गाइस बीच, अभी मैं आपको सीधा मट्टू पे मिलता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा मैं। तो गाइज ये आ गए हम मट्टू के पास, राइट साइड पे बीच है गाइज और लेफ्ट साइड पे वो बैक वाटर्स है जो हमने ब्रिज पे क्रॉस किया था। यार गाइज ये रोड से बस जाना ना मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। ये रोड जब बना भी नहीं था, मतलब लिटरली अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब मैं इस रोड से एक बार गुजरा था, तब से मैं इस प्लेस पे विजिट करता हूँ। अरे जीजे थ्री की बाइक, कोई ना बाद में मिल लेंगे इनसे हो सके तो। जस्ट देखो गाइस कैसा मस्त बनाया ना राइट साइड पे, यहाँ पे लोग एक्चुअली आके फिशिंग करते हैं। देखो आप देख रहे होंगे राइट पे दो तीन लोग फिशिंग कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे देख रहे हो गाइस रिवर है, बैक वाटर्स है आई मीन। अभी देखते हैं मैं इधर आगे जाके खड़ा होकर आपको मस्त व्यू दिखाता हूँ गाइस, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मैं यहाँ खड़ा होने के सोचा था बट फिर ये लोग रुक गए तो मेरे को फिर डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, सो मैं आगे वाले रॉक्स पर चला गया। अभी देखो गाइस ओ वेव्स क्रैश कर रहे हैं, देखा आपने गाइस, उस दिन थोड़ा सी रफ था जिस दिन मैं गया। सो गाइस दिस इज द ब्यूटीफुल मट्टू बीच, थोड़ा विंड ब्लास्ट रहेगा सो बीच है तो आप तो समझ ही सकते हो, अगर दिस ब्यूटीफुल बीच, ये बीच है और इधर गाइस वो है बैक वाटर्स है, यह हमारी धन्नू है ये आप देख सकते हो कैसा है गाइस बीच, मट्टू बीच कहते हैं इसे, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशन यहाँ का। मेरे साथ एक थोड़ा माइक का इशू हो गया था, मैं गलती से अपना माइक अडाप्टर ऑन करना भूल गया था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ कंटेंट, तो अभी मैं वापस रिटर्न जाऊँगा वापस आपको वो अलग सेम कंटेंट रिकॉर्ड करके, नहीं थोड़ा वॉइस ओवर दे दूंगा मैं गाइस, और क्या कर सकते हैं। Look at this guys, टाइम लैप्स बन रहा है आपके लिए, एक सेक्सी एंड पे डाल दूंगा। Look at this guys, look at that waves। ये एरिया फैमिली फ्रेंडली भी है, कपल फ्रेंडली भी है, फोटोजेनिक मतलब एक नंबर फोटोजेनिक प्लेस है, मतलब इस रॉक्स पे वेव्स क्रैश करते हुए आप फोटो निकाल सकते हैं,
एकदम ब्यूटीफुल। कैसे देखो व्यूज क्रैश हो गए, लोग के चप्पल चप्पल पड़े यार इधर तो। क्या हो गया, लोग के चप्पल टूट जा रहे हैं लग रहा है। ज़्यादा अभी मुझे क्लोज नहीं जाना चाहिए, मतलब वेव्स क्रैश। ओ केकड़ा, बस केकड़े देख रहे हैं, मैं आपको केकड़े दिखा रहा हूँ। अरे काफ़ी सारे हैं, मुझे वाइड एंगल से हटाना पड़ेगा केकड़ा दिखाना है। वो देखो गाइस, देख रहे हैं केकड़ा, वो देखो, वो देखो छोटा सा। इधर भी एक बड़ा मैंने देखा, जान का चला गया। देखते हैं थोड़ा पास है, ये देखो इधर से भागा भागा। अरे यार बहुत तेज मूवमेंट करते हैं। केकड़े वो देखो गाइस, यहाँ बहुत सारे हैं, उसमें गिरना जाओ जाते जाते। अरे अरे गाइस देख रहे हो, देख रहे हो कितने सारे। अरे बहुत बड़ा है, बहुत कलरफुल है केकड़ा। देखो इधर एक जा रहा है, ये देखो। अरे यार देख के डर जाते हैं गाइस ये लोग, देखो इतना ब्यूटीफुल है। आपको कपल्स को, फैमिली को, सबके लिए बहुत अच्छी जगह है मट्टू बीच करके, मतलब पडुकेरे टू मट्टू बीच के वे वे पे आता है। मट्टू बीच नहीं है एक्चुअली ये, अमेजिंग व्यू। पीछे एक बैक वाटर्स भी है। चलो देख के आपको अच्छा लगा होगा। अभी इस पे एक सेकेंड रूट है बाय विच आप लोग कटपाड़ी से आ सकते हो, तो उधर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा। ओह दैट वे उसका, अरे पानी भी उड़ा करो। तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी बड़ा ब्रिज बन रहा है उसके बाजू में, बट वो छोटा ब्रिज काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो गाइस मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेट्स गो। मुझे ऐसे सब माउंटेन्स पे चलना, मतलब सॉरी पत्थरों पे चलना पता नहीं, पहले से बहुत पसंद है। मैं काफ़ी फास्ट चल लेता हूँ ये सब चीज़ों पे। अरे फिगर पे मत जाना गाइस, बट थोड़ा एडवेंचरस हूँ मैं भी, बेल्ट पहनना भूल गया हूँ, तो थोड़ा एडवेंचर नहीं कर पा रहा हूँ। कैसा लगा गाइस, ये आपके लिए टाइम लैप्स बन रहा है। हाय, और एक बार आखिरी झलकी देख लीजिए इस लोकेशन की। Isn't it beautiful guys? चलिए बाइक पे मिलते हैं।